हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम चिकन यखनी पुलाव बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर पानी रखा है उबालने के लिए। गैस का फ्लेम यहाँ पर हाई रखा है। पानी अच्छे से उबाल लेंगे हम। यखनी पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सारे खड़े मसाले लिए हैं। तो प्याज मैंने लिया है लंबा कट कर कर एक लिया है प्याज। हरी मिर्च और लहसुन अदरक लिए हैं, लहसुन की कलियाँ लिए हैं 6 से 7 और 2 से 2.5 इंच तक मैंने अदरक लिया है, देख सकते हैं आप। हरी मिर्च 4 लिए हैं और खड़े मसाले भी आप देख सकते हैं, सौंफ, जीरा, शाहजीरा और धनिया 1-1 चम्मच लिया है। 4 इलायची लिए हैं और यहाँ पर देखिए दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। लौंग और काली मिर्च 4-4 लिए हैं। तो ये सारी सामग्री हमें चाहिए चिकन यखनी पुलाव बनाने के लिए। पानी यहाँ पर अच्छे से बॉईल हो गया है, तो सारे हम गरम मसाले डाल देंगे। सारे मसाले हमें डाल देना है। थोड़ा सा मिक्स करेंगे। पानी तो उबल रहा है यहाँ पर, अब हम चिकन डाल देंगे। चिकन यहाँ पर मैंने 1/2 किलो लिया है, तो 1/2 किलो हम चिकन डाल देंगे। अब 20 मिनट तक हमें उबाल लेना है चिकन को, सारे मसाले और चिकन को। मीडियम फ्लेम पर हमें चिकन को 20 मिनट तक उबाल लेना है। पहले अच्छे से 1 मिनट तक फुल फ्लेम पर हम उबाल लेंगे चिकन को, फिर बाद में मीडियम करेंगे फ्लेम, गैस का फ्लेम। 20 मिनट यहाँ पर हो गए हैं, चिकन अच्छे से उबल गया है, तो गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे। अब चिकन के पीसेस को हम सिर्फ निकाल लेंगे, सिर्फ चिकन के पीसेस ही निकालना है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे चिकन के पीस को। इसी तरह से सारे चिकन के पीस मैंने निकाल दिए हैं, अब इसे हम साइड में रखेंगे। अब जो ये चिकन का पानी है, सारे मसाले हैं, इसे अब हम छान लेंगे। 1-2 पीस रह गए हैं, तो इसे हम निकाल लेंगे। अब ये सारे मसाले वेस्ट है, इसे हमें यूज नहीं करना है, सिर्फ चिकन के पानी को हमें इस्तेमाल करना है। ये सारे मसाले इस पानी में अच्छे से उतर गए हैं, इसका स्टॉक अच्छे से बन गया है चिकन का, तो ये मसाले हमें यूज नहीं करने हैं, इसे हम फेंक देंगे। अब चिकन यखनी पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मेन प्रोसेस है। यहाँ पर मैंने एक बर्तन, एक भगोना रख दिया है गैस के ऊपर। अब इसमें हम डालेंगे तेल। यहाँ पर तेल डाला है मैंने 3 से 4 चम्मच, बड़ी चम्मच। प्याज ले लेंगे, लंबे आकारों में कट कर कर प्याज लिया है, 4 मीडियम साइज के प्याज लिए है और 4 हरी मिर्च लिए है। अब तेल में हम डाल देंगे। यहाँ पर मैंने लिया 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच शाहजीरा, ये भी डाल देंगे। प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेना है। प्याज हमें इस तरह से चाहिए, तो प्याज अच्छे से ब्राउन कलर हो गया है। इसमें अब हम चिकन डालेंगे। प्याज का फिर हम फुल करेंगे। स्वाद अनुसार गरम मसाला पाउडर डालेंगे 2 चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच। 1 छोटी कटोरी डालेंगे दही। इजी रेसिपी है, आप भी जरूर ट्राई करें ये रेसिपी। गैस को हम मीडियम रखेंगे, मीडियम कर दिया है, इसे भी मीडियम रखेंगे।
साइड में रखा था वो डाल देंगे। आधा मैंने डाल दिया है, आप चावल जितना लेते हैं उस हिसाब से ये पानी डालिए। पर मैंने एक गिलास चावल लिया है, रेगुलर चावल का इस्तेमाल किया है, मैं आपको बताऊंगी एक मिनट। ये चावल मैंने लिया है जो घर में हम रोज इस्तेमाल करते हैं। बासमती का चावल बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे चिकन यखनी पुलाव उतना टेस्टी नहीं आएगा। तो इसे हम उबाल लेंगे चिकन के पानी। चावल को मैंने धो लिया है, इसे हम डाल लेंगे चावल को भी। गैस का फ्लेम मैंने बढ़ा दिया है, चावल को डाल देंगे। एक गिलास लिया है मैंने यहाँ पर चावल। हरा धनिया डालेंगे ऊपर से और ये दो हरी मिर्च डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी हम ढक्कन बंद कर देंगे, ढक्कन बंद कर अच्छे से पका लेंगे चावल चिकन को। गैस का फ्लेम हम धीमा रखेंगे। यखनी पुलाव बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। आपको कैसी लगी चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके फ्रेंड्स फैमिली में रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो आप शेयर भी ज़रूर करें। रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बना है। तो फिर मिलेंगे और एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।